नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई कतर से रिलेटेड। जी हां साथियों, क्योंकि भाई स्टेप बाय स्टेप हर कंट्री का वीडियो बनाना पड़ता है, तो आज हम शेड्यूल में बात करेंगे 26 मई कतर की आने वाले टाइम में फ्लाइट शेड्यूल से रिलेटेड, जो इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर कतर पीओमओ कतर एम्बेसी इंडियन एम्बेसी ने जो प्रेस नोट जारी किया उसके हिसाब से मैं बताऊँगा। जेन्युइन ये फ्लाइट है, फेक फ्लाइट नहीं है भाई। बहुत सारी वेबसाइट पर फेक वीडियो चलाए जा रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे, जो मतलब आपको पता ही नहीं लगता कि इन फ्लाइट सच्चाई है या झूठ है। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं साथियों YouTube पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। Facebook देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर लें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन यहां पे मिलती रहे। तो भाई शुरुआत करते हैं कतर से रिलेटेड, आज से फ्लाइट शेड्यूल मैं बताऊंगा। वैसे मैं बता दूं साथियों, 25 मई से इंटरनेशनल फ्लाइट पेज 3 यानी दोबारा उसी को रन कर दिया गया, पेज 2 को, मिशन वंदे भारत को, ठीक है। तो उसमें 13 जून तक फ्लाइट शेड्यूल गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया, लेकिन साथियों शेड्यूल आ रहा है 17 जून तक। जी हाँ साथियों, तो काफ़ी लंबा शेड्यूल है और फ्लाइट भी बहुत ज़्यादा हैं। इंडिगो जो एयरलाइंस है उसको, जो प्राइवेट है उसको भी 97 फ्लाइट दे दी गई हैं। दुबई को छोड़ के सब कंट्रियों से लगभग 100 फ्लाइट हैं, उनकी भी अलग से हैं, एयरलाइन की अलग से हैं, तो काफ़ी सारी फ्लाइटें हैं। तो जो इमरजेंसी केस हैं वो इंडिया आ जाएंगे। आपको इमरजेंसी है तो भाई आप तैयारी कर लीजिए। कभी भी अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है तो आपके पास कॉल आ सकता है। पैसों का जुगाड़ करके रखें, अपना जो भी है सिस्टम बना के रखें। कॉल आए तो उनकी हाँ मैं मिला के भैया एग्री हो जाना है, ताकि इंडिया पहुंच जाओ। क्वारंटाइन का आपको पता है साथियों, गवर्नमेंट ने 14 दिन से घटा के 7 दिन कर दिया गया क्वारंटाइन का टाइम, तो ये भी एक बेस्ट न्यूज है, जिससे आपका खर्चा कम हो जाएगा। 7 दिन रहना है, बाकी 7 दिन आपको अपने घर पे रहना है। गवर्नमेंट क्वारंटाइन आपको 7 दिन ही रखा जाएगा, तो ये भी बेस्ट न्यूज है। चलिए शुरुआत करते हैं फ्लाइट के बारे में। 25 मई साथियों जो फ्लाइट थी वो कल की थी, वो चली गई। वो फ्लाइट थी दोहा कतर से दिल्ली के लिए, ठीक है साथियों। आगे अभी है 29 मई, 29 मई की फ्लाइट है साथियों कन्नूर कोची के लिए, मैं बता दूँ आपको। और 30 मई की एक फिर आपको साथियों फ्लाइट है 14:35 की, वो भी कोची के लिए, चेन्नई के लिए है। 30 मई को फिर एक फ्लाइट है साथियों, वो है दिल्ली के लिए। टाइम टेबल सारणी वगैरह इसमें नहीं दी गई है। आगे साथियों फिर एक 30 मई को एक फ्लाइट है, वो भी अहमदाबाद गुजरात के लिए है। इसमें लगभग 23 बजे का इसका फ्लाइट का टाइम दे रखा है इसमें। आगे साथियों फिर 1 जून छोड़ के 2 जून की है, वो है कोच्चि चेन्नई के लिए, ठीक है साथियों। इसमें भी टाइम शेड्यूल 21 बजे का दिया हुआ है। 3 जून को है साथियों एक फ्लाइट और है, वो है TYMK तमिलनाडु विशाखापट्टनम है, ये तमिलनाडु के लिए फ्लाइट है साथियों। आगे है 4 जून को, जी हाँ साथियों 4 जून को भाई फ्लाइट है कन्नूर के लिए, उधर कोच्चि केरला की है ये भी फ्लाइट। और इसमें फिर एक 3 जून का इसमें शेड्यूल दे रखा है साथियों, ये भी चेन्नई की फ़्लाइट है। और 4 जून को है साथियों फिर ये लखनऊ यूपी की फ़्लाइट है, जी हाँ साथियों। यानी मैं बता दूं आपको, ये साथियों 25 मई से लेके 4 जून तक यानी 10 दिन की 10 फ्लाइटों का शेड्यूल दिया गया है, जिसमें मेरे भाई इंडिया में बात करें तो दिल्ली की एक फ़्लाइट है और यूपी की एक फ़्लाइट है, बाकी फ़्लाइट टोटल की टोटल उधर की चली गई, किधर की, तमिलनाडु कोची केरला। तो दिल्ली और यूपी की फ़्लाइट मैं मान सकता हूँ, बाकी भाई 8 फ़्लाइटें उधर की है। ये हैं फिलहाल आपको बता दूं 4 जून तक की यही फ़्लाइट है, इसके अलावा और कोई फ़्लाइट है नहीं। आगे जैसे ही फ़्लाइटें होती हैं मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैंने आपको ये जानकारी दी है, वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।